दोस्तों, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है या आपके पास कोई भी बिजनेस वेबसाइट है तो आपके लिए यह स्क्रीन कितना सुखद हो सकता है यह मैं समझता हूँ। आपको पता है कि अगर आपकी वेबसाइट तेज़ नहीं चलती तो वो किसी काम की नहीं है, ना वो गूगल पे रैंक कर सकता है और ना ही उसके पेज रैंक कभी भी डेवलप हो सकते हैं। आपको पता ही है कि गूगल ने कोर वेब वाइटल्स को कितना जोर दिया है अभी 2020 में, और अब जीटी मैट्रिक्स ने भी लाइट हाउस के साथ रिजल्ट्स दिखाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि या अब वेब वाइटल्स अगर किसी भी वेबसाइट के अच्छे नहीं हैं तो उस वेबसाइट की पोजीशन और उसकी रैंकिंग अब उतनी अच्छी नहीं हो सकती बनिस्बत की उस वेबसाइट की जिसके ये सारे वाइटल्स अच्छे हैं। तो यह स्क्रीन ग्रीन ग्रीन सा देख कर आपको यह अंदाज़ा लग रहा होगा कि यह कितना अच्छा स्कोर का वेबसाइट का रिज़ल्ट है, लेकिन यह वही वेबसाइट है जिसको कि मैं आपको रोज़ और अपने सारे वीडियोस में दिखाता हूँ, और ये बिल्कुल अभी का किया हुआ रिज़ल्ट है, ये कैनेडियन टाइम है तो बिल्कुल अभी का रिज़ल्ट है जो मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी का रिज़ल्ट है, कहीं पहले का ये स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, रियल टाइम दिखा रहा हूँ। दोबारा आपको ये दिखाने वाला हूँ मैं आपको आपके साथ करके। आप देख सकते हैं यह वेबसाइट मात्र 2.1 सेकंड में फुली लोड हो चुका है, और यह मात्र 0.8 सेकंड में फर्स्ट रिस्पॉन्स आ चुका था, यानी कि TTF भी इसका बहुत ही सिंपल था, बहुत ही जल्दी विद इन अ सेकेंड, एक सेकेंड भी नहीं लगा और वह फर्स्ट रिस्पॉन्स उसका आ चुका था। तो आप ये सोच रहे होंगे वो वेबसाइट कौन सी है ज़रा देखें, और ये सर्वर वर्वर कौन सा यूज हो रहा होगा इसमें, तो बहुत सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वेबसाइट भी इतनी ही तेज़ और इतनी ही अच्छी हो सकती है अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करें, और वो बहुत ही सिंपल स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको, एक लाइन भी कोड नहीं लिखना है, कोई भी ऐसा ट्रिक या टिप नहीं देने वाला जो आप नहीं कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल होने वाला है सब कुछ, और आपकी वेबसाइट स्पीड अप हो जाएगी नेचुरली। उसके कई सारे फायदे जो आपको हैं एक तेज वेबसाइट के वो मिलने लगेंगे। तो ये है वो वेबसाइट जिसको कि कल ही मैंने अपने एक वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट किया था, इंस्टॉल किया था, जब मैं किसी थीम को शोकेस कर रहा था अपनी दूसरी किसी वीडियो में। और ये बिल्कुल सिंपल सा विदाउट इमेज का वेबसाइट है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि यही वो वजह है शायद जिसकी वजह से यह स्पीड इसको मिला है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट भी जो मेरे ही ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है वो भी करके दिखाऊंगा, रियल टाइम चेक करके दिखाऊंगा, तो दोनों में आपको अंतर भी पता लग जाएगा। इसलिए मैंने दो वेबसाइट, एक फुली लोडेड जिसमें बहुत सारे इमेजेस हैं, ई कॉमर्स फीचर हैं, वो लिया है, चुना है, और एक जो बिल्कुल सिंपल है वो लिया है, ताकि आपको अपनी वेबसाइट का कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। आपके पास बिजनेस वेबसाइट हो सकती है, आपके पास ई कॉमर्स की वेबसाइट हो सकती है जिसमें ओ कॉमर्स आपने इस्तेमाल किया होगा, और आपकी क्लाइंट की वेबसाइट हो सकती है जो हमेशा ये रिपोर्ट करते रहते होंगे कि यार ये तेज़ नहीं चलता, इसको तेज़ कैसे करना है। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गोल्डन रूल्स फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट्स की एक सीरीज, जिसमें कि मैं बड़े आसानी से एक एक करके वो सारे टिप्स और स्टेप्स बता दूंगा, जिससे आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे, और ए या बी स्कोर आप जीटी मैट्रिक्स के ग्रेड में ले लेंगे, और स्कोर के साथ ही आपकी लोडिंग टाइम बिलो 3 सेकंड्स हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, यह लोडिंग टाइम आपकी वेबसाइट की बिलो 3 सेकंड्स हो जाएगी, चाहे वो कैसी भी वेबसाइट है, कोई भी आपने थीम उसमें इस्तेमाल किया हो और कितने भी प्लगइन्स आपने इस्तेमाल किए हो, वो सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आपकी वेबसाइट स्पीड अप हो जाने वाली है, बहुत तेज़ चलने वाली है। और अगर आपको थीम्स चुनने हैं, बहुत सारे थीम जो अच्छे थीम हैं जो बिल्कुल स्पीड को या कोर वेब वाइटल्स को सपोर्ट करते हैं, वो अगर आपको देखना है तो मेरे वेबसाइट पर चले जाइए wpthemes.co.in, और मैं नीचे लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कोई भी अच्छा सा थीम चुन सकते हैं, उसमें प्लगइन्स भी मौजूद हैं, उसमें होस्टिंग्स के भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और यह वेबसाइट जो होस्टेड है बिल्कुल शेयर्ड सर्वर पे होस्टेड है,
भारत का सबसे सस्ता सर्वर जो होता है उस पे होस्टेड है, रीसेलर होस्टिंग जिसको कहते हैं। कोई भी वर्डप्रेस का स्पेशलाइज होस्टिंग वो नहीं लिया है मैंने, और ना ही उस पे कोई बहुत ज़्यादा रुपए खर्च किए हैं। बिल्कुल सिंपल साधारण सा यह होस्टिंग लिया है और जिस पे ये वेबसाइट चल रही है और बहुत स्पीड में चल रही है। तो पहले इस वेबसाइट की रियलिटी चेक कर लेते हैं ताकि आपको यह यकीन हो जाए कि यह टेस्ट अभी का ही किया हुआ है और आपकी वेबसाइट को भी स्पीड अप किया जा सकता है। तो मैंने रीटेस्ट पे रीचेक पे क्लिक कर दिया है। अब रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। 2-3 सेकंड में रिजल्ट आता है इसका। जीटी मैट्रिक्स पे हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं, या पिंगडम टूल्स भी एक टूल्स होता है, पिंगडम टूल्स पे भी आप चेक कर सकते हैं। दोनों के रिजल्ट वही होते हैं। या वेब पेज स्पीड टेस्ट .org भी एक वेबसाइट है जिस पे भी आप चेक करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जीटी मैट्रिक्स यूज होता है इसलिए मैं इस पे दिखा रहा हूँ। अभी लेटेस्ट में इसका इंटरफेस भी चेंज हुआ है। तो ये रहा रिजल्ट आपके सामने, आपके स्क्रीन पे बिल्कुल सामने। कुछ भी मैंने हाइड नहीं किया, कुछ भी एडिट नहीं कर रहा। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ अपने सारे वीडियो में मैं लाइव ही करता हूँ। अब जरा स्कोर को समझ लें। ग्रेड ओवरऑल ग्रेड मिला है बी, परफॉर्मेंस 89, स्ट्रक्चर 90% जो कि डीप ग्रीन है, LCP 1.4। ये सब डिटेल क्या होते हैं वो मैं किसी दूसरे वीडियो में अभी आपको बता दूंगा। TBT मात्र 14 मिली सेकेंड और CLS 0.15 सेकेंड। वेबसाइट की फुल लोडिंग टाइम मात्र 2.2 सेकेंड। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी 2.2 सेकेंड में अगर कोई वेबसाइट लोड हो जाए तो वो कितना मज़ेदार होगा वेबसाइट। लेकिन अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये तो बड़ा सिंपल सा वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट में तो बहुत सारे पिक्चर लगे हुए हैं, बहुत सारे फीचर लगे हुए हैं, ये तो इतना तेज़ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ जिस पे ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ये देखिए, यह फुल फ्लैग्ड वेबसाइट है जिसमें ई कॉमर्स की वेबसाइट है ये, और इस पे कई सारे प्रोडक्ट्स लोडेड हैं, फंक्शनल हैं। और यह वेबसाइट देखिए कितनी तेज़ी से चल रहा है। ये अमेज़ॉन एफिलिएट की असल में वेबसाइट है, तो सारे प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। ये देखिए हर पेज पे कितने सारे इमेज लगे हुए हैं, फिर भी इसकी लोडिंग टाइम 2 सेकंड्स। 2 सेकंड तो मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 1 सेकंड में हो रहा है ये। बस क्लिक किया, लोड हुआ। अब बारी है आपकी वेबसाइट को तेज़ कर देने की, और आपकी वेबसाइट तेज़ हो जाने वाली है। आपको मैंने बताया कि किसी भी टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉलो सिंपल स्टेप्स एंड स्पीड अप योर वेबसाइट, यह है हमारा सीरीज। और इसका मैं फर्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ। पहले तो इस वेबसाइट की भी, जो ये फुली लोडेड वेबसाइट है, जरा इसकी रियलिटी चेक भी कर लें ताकि कोई शंका और शक ना रह जाए कि सारी वेबसाइट हो भी सकती है या नहीं। तो ये मैंने इसको एनालाइज करते हैं, रियल टाइम चेक, रियल टाइम एनालिसिस हो रही है। आपको मैंने टूल्स बता दिए हैं, सारे टूल्स के लिंक मैं दे दूंगा कि अगर आप किसी वेबसाइट की स्पीड चेक करना चाहते हैं तो कैसे करें। और मैं यह आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि दुनिया की अच्छी से अच्छी वेबसाइट जो आप जानते होंगे उसको आप जीटी मैट्रिक्स पर चेक करके देख लीजिए उसकी रैंकिंग कितनी ख़राब होती है। जो अक्सर तेज़ चलने वाली वेबसाइट की भी रैंकिंग ख़राब होती है, लेकिन जो जिस वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होती है वह तो ख़राब चल ही नहीं सकता। इसका जैसे कि अभी ग्रेड सी आया है, तो सी में भी यह कितनी स्पीड में लोड हुआ है, 3.7 सेकेंड। ये फुली लोडेड वेबसाइट थी। इसको मैं दोबारा एक बार चेक करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी इसको ठीक से बैंडविड्थ नहीं मिला जिसमें ये चेक नहीं हो पाया है। तो मैं एक बार इसको दोबारा चेक करता हूँ। हालाँकि इस टेस्ट रिजल्ट को भी अगर हम देखें तो अब आप देखेंगे कि यह LCP इसका 2.0 और 0 मिली सेकेंड TBT है, और CLS 0 है, और स्ट्रक्चर 87%। परफॉर्मेंस इसका बेसक 75% आया है और सी ग्रेड मिला है इसे, लेकिन स्टिल लोडिंग टाइम इसका 3.7 सेकेंड है इतनी हैवी वेबसाइट का भी। तो इसको एक बार हम लोग दोबारा भी टेस्ट कर लेते हैं, ताकि मैं दोबारा एक बार चेक करके देखना चाहूँगा इसको। तो दोबारा चेक का रिजल्ट आपके सामने है, शानदार रिजल्ट जिसको कि मैं कहूँगा आपके सामने है। ग्रेड वन
परफॉर्मेंस 94%, स्ट्रक्चर 87%, LCP 1.0, TBT 0 मिली सेकेंड और CLS तो बिल्कुल जीरो। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर 380 मिली सेकेंड में कोई वेबसाइट रिस्पोंड करने लगे और यह अगर 4.6 सेकेंड में अगर अभी आपको दिखा रहा है और ये वाइटल्स हैं लोड होने के, तो अगर कोई वेबसाइट 2 से 4 सेकेंड में लोड हो जाए, जो इतना हैवीली लोडेड है जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे, जिसमें कि बहुत सारे फीचर्स हैं, अभी इस पे सारे फीचर्स ई कॉमर्स के जब मौजूद हैं, तो इसकी स्पीड जब इतनी अच्छी हो सकती है तो आपकी वेबसाइट की क्यों नहीं हो सकती। या अब कोई चैलेंज वाली कोई भी बात नहीं है और अब आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने में लग जाइए, तैयार हो जाइए और आज आप उसका पहला स्टेप लेने वाले हैं, जो कि है इस वीडियो को, इस चैनल को देखिए, समझिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज से एक वीडियो सीरीज जिसका कि नाम मैंने रखा है गोल्डन रूल्स फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट, और उस पे आपको वो सारी चीज़ें, वो सारे स्टेप्स मैं एक एक करके बताने वाला हूँ, जो कि आपको आपकी वेबसाइट को बहुत तेज लोड करवा देने में सहायता करेगा। बिल्कुल तेज वेबसाइट बन जाएगी आपकी और गूगल के सारे रिजल्ट्स या जो भी सर्च इंजन के रिजल्ट्स हैं वो उसको आप बड़े आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सारे टारगेट आप मीट कर सकते हैं, आप अपने कंपटीटर्स को बीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपके टेक अवे दो हैं, पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी क्लिक कर लें ताकि सारे वीडियोस आपके पास आने लगें। मैं सारे आपको चैनल के लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और आपको अगर थीम्स वगैरह की ज़रूरत हो या कौन से थीम्स अडॉप्ट करने हैं या आपकी एग्जिस्टिंग थीम को अपडेट करना हो और वो आपको लगे कि थीम एक कारण हो सकता है आपकी वेबसाइट को स्लो डाउन करने का, तो आप wpthemes.co.in पे जाएं इस वेबसाइट पे और थीम सेलेक्ट कर लें, प्लगइन सेलेक्ट कर लें जो भी आपको ज़रूरत हो। इस पे सारे जितने भी थीम्स मैंने शोकेस किया है वीडियो पे, वो सारे वीडियोस के रूप में अवेलेबल हैं, आप थीम के इन और आउट देख सकते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही दिखाए गए हैं वीडियो में मैंने, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल हो। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक थीम की भी ज़रूरत हो तो आप वहाँ बता दीजिएगा, वो भी थीम मैं अवेलेबल करवा दूंगा, उसका वीडियो कर दूंगा। लेकिन अभी थीम पे नहीं जाते, अभी हम सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो आपकी वेबसाइट को ए या बी ग्रेड मिलने वाला है, जो कि यह रैंकिंग अगर आपको मिलने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का कितना जल्दी ग्रोथ और प्रोग्रेस होने वाला है, उस पर विजिटर बेस नेचुरली बढ़ेंगे ही। जबकि मैं बिल्कुल ये नई वेबसाइट अभी कल ही ऑप्टिमाइज होके फाइनल करा है इसको मैंने, तो उस पर आप समझ सकते हैं कि यह आपके लिए भी कितना आसान होगा। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि किसी कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है और कोई भी सिंगल लाइन ऑफ कोड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं, और वो भी आने वाले वीडियो सीरीज़ में मैं जल्दी जल्दी सारा कवर कर दूंगा और विद इन ए वीक हम लोग ये टारगेट अचीव कर लेंगे। और अगर आप वीडियो मिस कर रहे हैं तो इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा अपने चैनल पे, जिसमें आप सारे वीडियो एक साथ देखें और सारा ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस एक बार में ही कर लें। और मीनवाइल अगर आपको किसी थीम एडवाइस की ज़रूरत हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, मैं आपको अभी ही थीम एडवाइस कर दूंगा ताकि आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के पहले कोई भी ज़रूरत हो तो हम लोग पहले ही डिस्कस करके तैयार रहें और हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपकी वेबसाइट को स्पीड अप कर लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं मैं जानता हूँ, और अगले वीडियो में हम मिलने वाले हैं टिप नंबर 1, गोल्डन रूल नंबर 1 के साथ। और तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, सी यू देन।